नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डो सोन निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, एक नए औषधि पौधे की खोज। ऑप्शन बी, एक प्रकार का मैलवेयर। ऑप्शन सी, लुप्त प्राय प्रजातियां। ऑप्शन डी, एक क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन तकनीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक प्रकार का मेलवेयर। हाल ही में एंड्रॉयड मेलवेयर गोल्डो सोन ने गूगल प्ले स्टोर पर 100 मिलियन डाउनलोड वाले 60 वैध एप्स को संक्रमित कर दिया है। गोल्डो सोन इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन वाईफाई ब्लूटूथ डिवाइस से डेटा चुराता है और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना विज्ञापन धोखाधड़ी करता है। इसकी जानकारी गूगल को दे दी गई है और गूगल ने कई प्रभावित ऐप्स को हटा दिया है, लेकिन संभव है कि मेलवेयर अभी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पर मौजूद हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट लागू करना चाहिए, डिवाइस सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और एडवेयर मेलवेयर संक्रमण के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। 2023 से 27 की अवधि के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 6ठी और ऑप्शन डी 17वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब 10वीं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता और भी आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे में 17 देशों को शामिल किया गया। भारत ने इस बार टॉप 10 में स्थान बना लिया है। 2023 से 27 के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के अनुसार बिजनेस की दुनिया में भारत 10वें स्थान पर है। इससे पहले 2018 से 22 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 14वें स्थान पर था। भारत को 10वें स्थान पर लाने में फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी तत्परता का सहयोग रहा है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों, संक्षेप में MACS की G20 बैठक में भारत द्वारा निम्न में से किस प्रस्ताव को पेश किया गया है? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी सप्तर्षि, ऑप्शन डी तपस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महर्षि। भारत द्वारा वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों, जिसे संक्षेप में हम MACS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट होता है, कि G20 बैठक में बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, जिसे संक्षेप में महर्षि कहते हैं, और अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स है, के प्रस्ताव को पेश किया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य 2023 और उसके बाद के बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के दौरान अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। MACS 2023 का विषय स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली है। MACS एजेंडे में खाद्य सुरक्षा, लचीली कृषि खाद्य प्रणाली, डिजिटल कृषि और कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर तकनीकी सत्र शामिल हैं। चौथा प्रश्न, भारत में ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित पहली जनगणना का विषय कौन सी पक्षी प्रजाति थी? ऑप्शन ए भारतीय रोलर, ऑप्शन बी हिमालयन मोनाल, ऑप्शन सी मैंग्रोव पित्त, ऑप्शन डी सफेद गले वाली किंगफिशर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैंग्रोव पित्त। ओडिशा सरकार ने मैंग्रोव पित्त पक्षी प्रजातियों के लिए अपनी पहली जनगणना की। जनगणना भारत के ओडिशा में केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिले के तटों पर मैंग्रोव पैच पर केंद्रित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर महीपुरा नदी के मुहाने के पास मैंग्रोव पित्त पक्षियों की उच्चतम संख्या पाई गई। मैंग्रोव पित्त पक्षी पूर्वी भारत के तटीय मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली लगभग लुप्त प्राय प्रजाति है। तटीय मैंग्रोव के साथ मैंग्रोव पित्त पक्षियों के वितरण, आवास और प्रजनन पर जानकारी एकत्र की गई थी। अब हम देखते हैं आज का
अंतिम प्रश्न, जापान में आयोजित जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए 2030 तक उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन बी 2035 तक कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी 2080 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना, ऑप्शन डी पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2035 तक कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन सुनिश्चित करना। हाल ही में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक जापान के सापोरो में आयोजित की गई। सदस्य राष्ट्रों ने हालिया IPCC UN Intergovernmental Panel on Climate Change तो IPCC रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 43% और 2035 तक 60% तक कम करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। G7 2030 तक 150 गीगावाट की अपतटीय पवन क्षमता और 2030 तक 1 टेरावाट से अधिक सौर PV मतलब फोटोवोल्टिक की सफलता में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपत्तियों के साथ समूह UK और कनाडा की 2030 तक कोयले के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बना पाए। इसके बजाय मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि G7 देशों के भीतर या विश्व स्तर पर कोयला आधारित बिजली स्टेशनों की और आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को आपके सामने हम लेकर आए। आशा है कि आपने अपनी तरफ से इन 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा। आपसे अनुरोध है कि आपने जितने भी प्रश्न को अटेम्प्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट सफल रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्ते। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।